वसीम कियानी साहब। दोस्तों हूं मैं दावत दे लगा उस बंदे की के नहीं कुछ भी नहीं, राजा अनुसार यावर साहब जी, सिर्फ इतनी गल है, सिर्फ इतनी गल है के राजा अनुसार यावर बस टोटल अगर तुसा जाओ तो राजा अनुसार जा। बड़ी मेहरबानी नहमदू अनसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काबिल साद एहतराम सदर मजलिस महफिल च मौजूद सादात किराम शुराए किराम मुअज्जज मेहमानान गिरामी मेहमानान खुसूसी और इंतहाई मुहब्बत आले प्यार आले दोस्त जिहड़े इस महफिल ने विच तशरीफ फरमाओ बंदा नाचीज़ नी तरफों अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों महफिल च पहुंचिया बड़ी खुशी हुई इस गल नहीं हुई कि तुसा सारे दोस्त जागने बैठे हो और हर शायर की तवज्जो नाल सुनने भी हो और उसने हौसला अफजाई भी करने हो दाद नी सूरत इंतजामिया ए अपनी मुहब्बत ना इजहार करने पे शायर जमाने ने अकास होने शायर मुहब्बत वंडने वाले होने तकसीम करने वाले होने तुसा दोस्त शायर की पसंद करने हो तो शायर पर भी ये लाजम है फर्ज है कि वह बुगज असद अनाद की पासा रखी है मुहब्बत नहीं गल पेश करन आज ने दौर च मुहब्बत नहीं जरूरत है। राजे अबीब साहब ना हुक्म साई फारूक साहब ना हुक्म सिर अखियां पर जिंदगी एक गल जड़ी स्टेज पर हूं मैं आज करनी जरूरी समझना। दोस्तों मैं किसा भी पाबंदी की ना मनना शायर पर कोई भी पाबंदी उसने जहन की उसने सोच की कैद करने ने मुतरादिफ है। जो कुछ उसने जहन ही चुना जो कुछ उसने बिसात होनी वही लिखना वही पेश करना मगर इतने पाबंद इस वजह तू आ कि यह हुक्म मेरे उस्ताद ने उस्ताद मोहतरम चौधरी मुहम्मद फाजिल शाइक साहब फखर पठवार और इस महफल ने रूए रवा जनाब साईं फारूक साहब और मेजबान जनाब अबीब नवाज क्यानी साहब। और दोस्तों इस तू पहले भी किसी ने पाबंदी नहीं मननी तो अज तू बाद भी किसी ने पाबंदी ना मनना शायरी ने हवाले नाल जो दिल कर सी उहे पढ़सा। एक दूई चीज मैं ये भी ऐलान करना चाहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाका ना करम है सरकार ने नात लिखने आ नात पढ़ने आ आले रसूल ना एतराम करने आ जितनी अपने वस च है अकीदत ने फुल पेश करने आ कोई भी मुनकरे रसूल गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे आले बैत कोई भी हो और उसने जिमन उसने मुकाबले मिकी यशना पवे और पूरा पठवार पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया एक पासा हो जाए ये गल आखण भाई यावर पिछा हटी जा सी ये उन्होंने खाम ख्याली है कदा भी पिछा ना हटना। पहले दोस्तों की खराजे तहसीन पेश करी कि ना उस तो बाद तुसा दोस्तों की मुहब्बत भी के चिश्ती शाह बैराम ने उर्स होता है चिश्ती शाह बैराम ने उर्स होता है किन्नी सोहनी है बिच तकरीब सदया ढोक पट्टिया थिया इस खास अंदर महफल बिच नाल तहजीब सदया
और खादम वलिया दा मैं निसार यावर मैं ते अक्सा इत्था नसीब सदया जफर पट्टी ते वहीद ने कहन उत्ते ऐसा सबा की राजे अभी सदिया दोस्तो राजा साहब हाथ सफाका दे एन सुथरे करिए किथे तला शर्माने दलंग हाथ सफाका दे एन सुथरे करिए किथे तला शर्माने दलंग रिया कट न रहे वफा अंदर आंदा रिया मुसलसल ऐसा ना दलंग जे एहसास ओ करते ते पता चलता ओ या एदो पैमाना जुबाना दा फिर भी मन्ने जे मेरी सरकारी आवर आसर दिला ना लाऊ आसर जाना ना लाऊ औदी गली दे फेरे ता सौखड़े नहीं औदी गली दे फेरे ता सौखड़े नहीं पैंदा मुल ले आने ते जाने दा लाऊ ए भी अस के मैं कबूल कीता मुल पाया ओने याराने दा लाऊ खून चाहिए कबूल किया मुल पाया याराने दा लहू किसे पूछे था राजा साहब किसे पूछे था उन्हें आखे आए होया की जे होया दीवाने दा लहू किसे पूछे था उन्हें आखे आए होया की जे होया दीवाने दा लहू शमा राम दी पई है वे खिलावर किरदे मक्तल जो पेया परवाने दा लहू शमरम दी पई है देखिया बर गिरदे मक्तल जो पया परवाने दा लो राज साहब लाख लाजों के गलाफों में छुपाऊं तुझको जितनी मर्जी है फेरी फेरी आनिया गल लाख लाजों के गलाफों में छुपाऊं तुझको शहर वाले मेरा मौजू सुखन जानते हैं साईं जी तमाम दोस्त दोस्तों तुसा तो मुहब्बत वाले लोग हो कुछ कुंतरे कढ़ने वाले गौर नाल किताब ना नाम है दसन लगा अदीस ने रावी ना नाम है दसन लगा शक होवे फोन नंबर सारे दोस्तों को थिया अदीस ना होवे मैं मुजरम अदीस होवे कमीनिया की चाहिए ना मन्नी कितना चाहिए ना सुनो अदीस ने रावी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने हो ना फिल्म ने विच कैच होना पिया हजरत अबू सईद खुदरी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन हो किताब ना ना है मुस्लिम शरीफ अगर अदीस नी किताब किसा को नहीं मैं दे सका उस अदीस ने अंदर दोस्तों अदीसे पाक ना मफहूम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोना तकसीम किया सोना तकसीम फरमाया महफल ने भी बैठे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत ने मुताबिक जिस जिस बंदे की जो आया दे देता मैं किताब ना नहीं दस रहा ना तो नाल रावी ना नहीं जे बाद इच मारे जाने तू बाद कोई गल करे उसने जैसा कमीना कोई नहीं गल करनी से हथियार है ना दोस्त ये मैं दसी है आपने इस किताब ने अंदर लिखिया इस हदीस ने मफहूम एक बंदा बैठा सी उस महफल ने विच उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिया हजूर इंसाफ करो ना ये क्या करने हो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गल आखो इंसाफ करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगू फरमाया ओए ओए कमबख्ता मैं ना इंसाफ कर सा ता कौन कर सी सुनो हजरत अबू सईद खुदरी लिख ले क्या मैं उस ना लिया दसाए हदीस ने भी जो लिया ना वे जो चोर नी सजा हो मेरी साईं जी जो चोर नी सजा हो मेरी ओलिया ने बीच लिखिया उसनी तंबी छुंगी हुई सी ओ कौन सी तंबी छुंग सी सुनो अगर लफ्ज ना लबे मैं हाजर हाँ हाजर शेरानी पाबंदी है ना नवा शेर पढ़ो नवा ही पढ़ी छड़ रहे हैं मेरे आका दी जेड़ा तारीफ करदा दोस्तों मेरे आका दी जेड़ा
ताबर साहब मेरे आका दी अजरम ख्याम सुन मेरे आका दी जेड़ा तारीफ करता ओ लईए उस दा मत्था फिर चुम 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 मेरे आका दी जेड़ा तारीफ करता लईए उस दा मत्था फिर चुम 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 ओ जदू नारे रिसालत दी गूंज उठे आंदी मुनकरां दी सीटी गम 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 जदू नारे रिसालत दी गूंज उठे आंदी मुनकरां दी सीटी गम 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 और फिर जिथे आका दे आउण गुलाम यारो राजा भीम साहब जिथे आका दे आउण गुलाम यारो जिथे आका दे आउण गुलाम यारो नजदी नसदा ने दब के तुम 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 जिथे आका दे आउण गुलाम यारो नजदी नसदे ने दब के दम 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 मेरे आका दी जेड़ा तारीफ करदा लैवां उस दे मथे नूं चुम 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 जदू नारे रिसालत दी गूंज उठे आउंदी मुनकरां दी सीटी गम 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 जिथे आका दे होण गुलाम यारो नजदी नसदे ने दब के दम दम ओ दम मैनूं आशकां ने दित्ती दब यावर मैनूं आशकां ने दित्ती दब यावर तंबी छूआं दी चदी थप्पी मैं खम बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्तों इस तू पहले अगर मैं तारीफ करना तो तुसा ए शुराज राज आखा राजे हबीब पहले पब्लिक की कर्म करी छोड़िया मैं इस वास्ते आख्या सी सिर्फ और सिर्फ यावर क्या क्या सी हुण ताली मारो सारे दरदौर ने हुण आया ना स्वाद ताली ना बला बला राजे यावर साहब अपना इनाम वसूल किया बहुत बड़ी मेहरबानी बड़ी गल है जी बड़ी हुण मैं दावत देना